इसके जो ही हमारे साथ जुड़ी हुई है तृणमूल कांग्रेस से उनसे जवाब। ये 2017 का भी वाकया बता रहे हैं जब एयरपोर्ट पर सोने के साथ रुजिरा को कस्टम्स विभाग ने पकड़ा था, ये भी आपकी जानकारी में होगा। कॉमेडी ठीक की है, जो पीएम कॉमेडी है उन्होंने ठीक किया है। सीबीआई को डायरेक्टर को अभी जो काम कर रहे हैं प्रवीण सिन्हा जी, इनके पीछे पहले जो थे ऋषि कुमार शुक्ला जी और अलक वर्मा जी को भी हटाया गया है। तो पहले बात तो ये सीबीआई जो केस अभी तक सीबीआई के पास पेंडिंग क्यों पर है, जो आरोप था वो आरोप कितना तैयार हो पाए, उस केस का क्या अभी तक क्या रिजल्ट हमारे सामने आया है, पब्लिक के सामने क्या रिजल्ट। सीबीआई एज अ यूनिवर्स अगर हम डिबेट करने लगेंगे जूही जी तो मामला बहुत बड़ा हो जाएगा। केस इन पॉइंट डिस्कस करते हैं, रुजिरा या मेनका से पूछताछ हवा में नहीं हो गई है। मैं पॉइंटेड डिबेट चाहता हूं। मैं चाहता हूं हम ब्लैंकेट डिबेट ना करें। आप जब बात किए तो आपने हमने नहीं बात किया, आपको सुनना चाहिए मैडम। हाँ आप बोलिएगा, लेकिन रुजिरा और मेनका के संदर्भ में बोलिए। नाटक के सामने आया है, क्या हुआ है 6 साल से 7 साल से जो लोग यहाँ पर जो केस में फंसे हुए हैं, आज जो बीजेपी पार्टी में चले गए तो दूध के धुले हो गए हैं, और बीजेपी के पास चले गए तो वॉशिंग मशीन भाजपा पाउडर से साफ हो गए हैं, और आज सब तृणमूल के जितने लोग हैं उनको सबको चोर दिखाई दे रहे हैं। तो उनके पार्टी में जितने चोर गए हैं उनके लिए क्या फैसला किया है उन्होंने, जो बीजेपी ज्वाइन किए हैं, जो बीजेपी की छत्रछाया में जो चला जाता है वो कैसे दूध का धुला हो जाता है। सुधांशु त्रिवेदी जी से इसका जवाब लेने के बाद मैं आगे चलूंगा। मुकुल रॉय के संदर्भ में भी ये कहा जाता था, भाग मुकुल भाग, ये कल चर्चा चल चुकी है। सुधांशु जी, टीएमसी ने ही उठाया था ये मुद्दा। अच्छा, मैं ये पूछना चाहता हूं कि जब भ्रष्टाचार के आरोप इनके नेताओं पे लगे थे तो उन्होंने कहा था कोई भ्रष्टाचार है ही नहीं, कुछ हुआ ही नहीं है, और जैसे वो नेता पार्टी छोड़ देता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता। पहले आप ये मानिए, आप ये मानते हैं कि मुकुल राय ने आपकी सरकार में रहते हुए भ्रष्टाचार किया था, हां या ना? तो आपकी सरकार भ्रष्टाचारी है, बोलिए हां या ना? नारदा स्कैम आप मानती हैं हुआ था, शारदा स्कैम हुआ था, मानते हैं? मतलब जब वो स्कैम हुआ हम नहीं मानते, सब कुछ झूठ है, वो व्यक्ति छोड़ के चला गया, भ्रष्टाचारी उसमें आ गया, तो भाई दो में से एक तक तय कर लीजिए, उसके अनुसार हम आपसे बात करने को तैयार हैं। अभी जब सुधांशु जी बोल रहे थे जूही जी, तो आपने जो कुछ कहा वो पूरा ऑडियो म्यूट था, अब आप जो कहेंगे हमको सुनाई देगा, इसलिए बीच में बाकी मेहमानों से भी मैं कह रहा हूं जब जिसकी बारी हो वही बोले, क्योंकि उन्हीं का फेडर उठा हुआ होता है, आवाज जाती है। जूही जी अब अपनी बात कहिए। वो सवाल उन्होंने पूछा कि क्या वो उस समय भ्रष्टाचार किया था क्या उन्होंने, जब उन पर आरोप लगे थे, अगर किया था तो इस बात को आपने क्यों नहीं माना तब? और अगर भ्रष्टाचार किया ही नहीं था जैसा आप कह रही थी, तो उनके पार्टी छोड़ देने से वो दागी कैसे हो गए? बीजेपी उनको अपने दल में क्यों लिया है, पहले क्वेश्चन तो ये है कि बीजेपी अपने दल में मुकुल राय को क्यों शामिल किया हुआ है, जब उनके खिलाफ भ्रष्टाचार का आरोप था, वो शारदा केस का अभी तक रिजल्ट सामने क्यों आया है? 7 साल। मैं जरा चरणजीत सापरा के पास अब इस बात को लेकर जाऊं, क्योंकि आपने ये कहा कि बीजेपी ने क्यों लिया। देखिए, बीजेपी नहीं ले इस तरीके का कोई संविधान में लिखा हुआ तथ्य नहीं है, इसलिए बीजेपी उनको लेने के लिए स्वतंत्र है, वो सजा याफ्ता भी नहीं है, जेल के अंदर नहीं है। सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब आरोप लगे थे तब उन्होंने भ्रष्टाचार किया था क्या, इसका जवाब आप देती तो बात बनती। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारत वर्ष पर।